गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में आपने प्रोटीन क्या होती है इससे रिलेटेड डेफिनेशन आपने स्टडी करी थी। टुडे आप स्टडी करने जा रहे हो टाइप्स ऑफ प्रोटीन, या आप बोल सकते हो इसे क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। और मेनली जो प्रोटीन होता है उसे हम दो तरह से क्लासिफाई करते हैं, यानी दो पार्ट में ब्रेक करते हैं। एक होता है हमारा फाइब्रस, दूसरा होता है हमारा ग्लोब्यूलर। ओके, तो एक होगी हमारी फाइब्रस प्रोटीन, दूसरी होगी हमारी ग्लोब्यूलर प्रोटीन। ओके, तो चलिए इन दोनों के बीच में हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो जो हमारी फाइब्रस प्रोटीन होती है ये एक्चुअली कैसी होती है, लीनियर होती है, लिख दे रही हूँ, लीनियर कॉमा थ्रेड लाइक। पॉलीपेप्टाइड की ये चेन होती है। ओके, पॉलीपेप्टाइड चेन, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, लीनियर थ्रेड लाइक, ये पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। ठीक है, देन हम मूव करते हैं ग्लोब्यूलर की तरफ, तो हमारी ग्लोब्यूलर प्रोटीन होती है ये फोल्डेड स्पेरॉइडल स्ट्रक्चर की होती है, फोल्डेड स्पेरॉइडल स्ट्रक्चर की होती है। ओके, देन सेकेंड पॉइंट है, हम मूव करते हैं सेकेंड पॉइंट की तरफ। तो देखिए यहाँ पर हमारी फाइब्रस प्रोटीन है, फाइब्रस प्रोटीन में जो पॉलीपेप्टाइड की चेन होती है, ठीक है, कौन सी चेन की बात कर रहे हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, ये चेन्स हेल्ड होती है स्ट्रोंगर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, तो याद रखिएगा जो पॉलीपेप्टाइड की चेन है इसमें स्ट्रोंगर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। सेकेंड पॉइंट हम इधर आते हैं, अगर हम कंपेरेटिवली देखें तो ग्लोब्यूलर प्रोटीन में जो पॉलीपेप्टाइड की चेन होती है उसमें जो हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, आप देख रहे हो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो कंपेरेटिवली वीकर होती है। ओके, अगर हम कंपेयर करें फाइब्रस से तो यहाँ पे जो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो हमारी कैसी होगी, वीक होगी। ओके, देन हम मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, थर्ड पॉइंट है हमारा, प्रोटीन्स आर, भाई हमारी जो फाइब्रस प्रोटीन्स है ये क्या होती हैं, वाटर में इनसॉल्युबल होती हैं, इनसॉल्युबल इन H2O, लेकिन जो हमारी ग्लोबुलर प्रोटीन्स होती हैं ये क्या होती हैं, सॉल्युबल होती हैं, सॉल्युबल इन H2O। ओके, तो अगर हम फोर्थ पॉइंट देखें, ये जो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट हमारा ये है कि जो हमारी फाइब्रस प्रोटीन होती है ये काफ़ी स्टेबल होती है, ठीक है, और हमारी ग्लोब्यूलर प्रोटीन काफ़ी अनस्टेबल होती है। अब स्टेबल ये किस चीज़ के लिए होती है, अगर आप मॉडरेट चेंजेस कर रहे हो, ठीक है, मॉडरेट चेंजेस कर रहे हो, और किस में कर रहे हो, टेम्परेचर पे या फिर पीएच पे, ठीक है, इन दोनों में से कोई भी चीज़ में मॉडरेट चेंज आप कर रहे हो तो ये जो आपकी प्रोटीन है फाइब्रस प्रोटीन ये क्या होगी, स्टेबल होगी। अनस्टेबल के केस में अगर आपने थोड़ा भी चेंज किया, टेम्परेचर या पीएच, ठीक है, टेम्परेचर या फिर पीएच थोड़ा भी आपने चेंज किया तो उसके केस में क्या होती है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, यानी वेरी सेंसिटिव होती है, तुरंत ये क्या हो जाती है, अनस्टेबल हो जाती है। ओके, एग्जांपल हम देखते हैं फिफ्थ पॉइंट में कि जो हमारी फाइब्रस प्रोटीन है ये एक्चुअली कहाँ पाई जाती है, ठीक है, तो ये हमारे मायोसिन, मायोसिन आप जानते हो कहाँ होता है, इन मसल्स, ठीक है, प्रोटीन ये यहाँ पर पाई जाती है, दूसरा नेल्स में, ठीक है, ये वूल में, ठीक है, इसके अलावा कैरेटिन, कैरेटिन आप जानते ही हो आपके हेयर में प्रेजेंट होता है, इन हेयर, तो इनमें सब में ये फाइब्रस प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पर हम आते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन की बात करते हैं, तो ग्लोबुलर प्रोटीन एक्चुअली इंसुलिन, ओके, इंसुलिन हो गया हमारा, हीमोग्लोबिन हो गया, ओके, इसके अलावा हमारा एल्बुमिन है, ठीक है, फाइब्रिनोजन है, फाइब्रिनोजन, ओके, इसके अलावा हमारा स्कॉर्पियन, इनमें सब में क्या पाई जाती है, हमारी ग्लोब्यूलर प्रोटीन पाई जाती है। ओके, देन हम मूव करेंगे, जो नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा वो होगा स्ट्रक्चर
ऑफ प्रोटीन। ओके, तो प्रोटीन के स्ट्रक्चर को हम फोर्थ स्टेप्स में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट स्टेप हमारा होगा वो होगा प्राइमरी स्ट्रक्चर, ठीक है। सेकेंड स्टेप हमारा होगा सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ठीक है। थर्ड स्टेप होगा हमारा टर्शरी स्ट्रक्चर, ठीक है। और जो फोर्थ स्टेप हमारा होगा वो होगा क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इन फोर लेवल्स पे हमें स्टडी करना है प्रोटीन स्ट्रक्चर को। जो हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर होगा सबसे सिंपल होगा, जब थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा तो हमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर मिलेगा, थोड़ा और फोल्डिंग होगी और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगा तो हमें टर्शरी मिलेगा, और लास्ट में हमें क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर मिलेगा। तो इन चारों स्ट्रक्चर को जो हमने डिफ्रेंशिएट करा है वो बॉन्डिंग के बेसिस पे किया है, ठीक है। यानी कि जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है हमारे प्रोटीन का, इसमें केवल एक ही बॉन्ड प्रेजेंट होता है, वो होता है पेप्टाइड बॉन्ड। जब हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर की तरफ मूव करते हैं तो यही जो हमारी चेन होती है ये चेन फोल्ड हो जाती है, और यहाँ पर फोल्डिंग किस वजह से होती है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड भी प्रेजेंट हो जाता है। यानी कि यहाँ पर अब दो बॉन्डिंग है, पेप्टाइड बॉन्डिंग है साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। जब टर्शरी स्ट्रक्चर में आते हैं तो आपको टोटल फोर बॉन्डिंग्स देखने को मिलेगी। क्वार्टरनरी में भी आप देखोगे आपको फोर बॉन्डिंग्स देखने को मिलेगी। तो बॉन्डिंग के बेसिस पे हमारा जो स्ट्रक्चर है प्रोटीन का वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स होता जाता है, और इसको हम लोग फोर स्टेप्स में स्टडी करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम स्टडी करने जा रहे हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर को, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। तो सिंपली अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, तो आप कुछ नहीं बोलना, आप डायरेक्टली लिख दीजिए प्राइमरी, द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन refers to the sequence of amino acids, okay, acids held together by peptide linkage. सबसे easy आई है, ठीक है, peptide linkage. तो what is primary structure? ये आपके क्या है, amino acid है, ठीक है, ठीक। और इन दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट है, बॉन्ड प्रेजेंट है। इस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। ये बॉन्ड क्या कहलाते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड कहलाते हैं। सपोज कि अमीनो एसिड वैलनिन है, ये हिस्टिडीन है, ठीक है, ये ग्लूटामीन हो गया, ये लाइसिन हो गया। तो जितने भी अमीनो एसिड हैं ये एक सीक्वेंस में अरेंज होते हैं, और इनके बीच में कैसा होता है, पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है, और इसी स्ट्रेट स्ट्रक्चर को ही हम प्राइमरी स्ट्रक्चर बोलते हैं प्रोटीन का। ओके, तो एक पर्टिकुलर टाइप की प्रोटीन के लिए जो सीक्वेंस होता है हमारे अमीनो एसिड का, ये क्या होता है, फिक्स्ड होता है। ओके, पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोटीन में ये सीक्वेंस कैसा होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। अगर किसी पर्टिकुलर अमीनो जो है हमारा प्रोटीन है और उसमें हमें पता है वेलिन है, हिस्टिडीन है, देन ग्लूटामाइन है, देन लाइसिन है, लाइसिन ग्लूटामाइन के बगल में आना है, और अगर यहाँ पर ये हट जाए, कोई और अमीनो एसिड आ जाए, तो आप देखोगे कि वहाँ पर कोई ना कोई प्रॉब्लम या कोई ना कोई डिजीज़ देखने को आपको मिलेगी। ओके, तो इसीलिए कहते हैं एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में प्रेजेंट होता है एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोटीन में। ओके, अगर आपका टाइप ऑफ प्रोटीन चेंज हो जाता है तो अमीनो एसिड का ये सीक्वेंस भी चेंज हो जाता है। ओके, लेकिन अगर आप एक ही टाइप की प्रोटीन की बात करो तो जितने भी वहाँ पर आपको प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का मिलेगा उसमें आपको सेम सीक्वेंस देखने को मिलेगा इन अमीनो एसिड का। ओके, देन हम मूव करते हैं सेकेंडरी की तरफ, ठीक है। तो हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। ओके, तो आपको भी मैंने अभी बताया है कि यहाँ पर अभी कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है, पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। और जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर हमारा बनता है जब पेप्टाइड बॉन्ड के साथ साथ हाइड्रोजन बॉन्ड भी प्रेजेंट हो, हाइड्रोजन बॉन्ड भी प्रेजेंट हो। यानी कि जो अब हमारा स्ट्रक्चर बनने जा रहा है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है प्राइमरी स्ट्रक्चर के कंपेयर में, ठीक है। तो पेप्टाइड बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर दोनों की प्रेजेंस होती है, ठीक है, जिसकी वजह से जो हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है ये मेनली टू डिफरेंट टाइप से का होता है। एक आपका होगा अल्फा हेलिक्स, ठीक है, और दूसरा होगा बीटा प्लीटेड शीट। ओके, एक स्ट्रक्चर
अल्फा हेलिक्स कहलाता है, दूसरा बीटा प्लीटेड शीट कहलाता है। ओके, तो अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि चाहे हमारा अल्फा हेलिक्स हो, ठीक है, या चाहे हमारा बीटा शीट हो, ये दोनों स्ट्रक्चर कहाँ से डेवलप होते हैं? प्राइमरी स्ट्रक्चर से। और प्राइमरी स्ट्रक्चर से ये कैसे डेवलप होते हैं, हमें ये जानना है कि एक्चुअली इसमें होता क्या है। तो यहाँ पर देखो बच्चों, हमें पता ही है कि जो हमारा अमीनो एसिड होता है, अमीनो एसिड में अगर जनरल फार्मूला हम अमीनो एसिड का लिखें, तो अभी आपने देखा होगा कैसे हम लिखते हैं, NH2 सी ऊपर आर डी नीचे एच देन COOH, ठीक है, ये अल्फा अमीनो एसिड है। ओके, तो अल्फा अमीनो एसिड में आपने क्या देखा कि यहाँ पे कार्बोक्सिल ग्रुप है और अमीन ग्रुप है। तो अमीन ग्रुप का हाइड्रोजन, कार्बोक्सिल ग्रुप का ऑक्सीजन, ठीक है, ये दोनों आपस में क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। लेकिन बॉन्ड यहाँ पर दो तरह से बनता है, एक इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, ठीक है, और दूसरा इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो ये जो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है ये अल्फा हेलिक्स में बनता है। ओके, जो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है ये बीटा शीट में बनता है, ठीक है, जिसकी वजह से दोनों स्ट्रक्चर इनका क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो स्ट्रक्चर्स अराइज हुए हैं, ये स्ट्रक्चर्स एक्चुअली किसकी वजह से अराइज होते हैं, जो पॉलीपेप्टाइड की चेन है, ठीक है, जो प्राइमरी चेन थी ये क्या हो जाती है, फोल्ड हो जाती है। ठीक है, फोल्ड होने के बाद ये हेल्ड होना भी ज़रूरी है भाई, फोल्ड होने के बाद ओपन भी, अनफोल्ड भी हो सकती है। तो ये हेल्ड किसके थ्रू होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू। तो ये बॉन्ड किसके किसके बीच में बनता है, सी डबल बॉन्ड ओ एंड एन एच ग्रुप के बीच में बनता है। ठीक है, लिख दे रही हूँ, इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। तो अब हम आते हैं अल्फा हेलिक्स की बात करते हैं। ओके, तो अल्फा हेलिक्स के केस में सबसे कॉमन यही है और सबसे ज़्यादा पाया भी यही जाता है और सबसे ज़्यादा स्टेबल भी यही है। ठीक है, तो अल्फा हेलिक्स के केस में एक्चुअली देखो बच्चों होता क्या है कि हमारा राइट हैंड साइड पूरा जो पॉलीपेप्टाइड की चेन थी, देखिए प्राइमरी के स्ट्रक्चर में ये चेन है, ये चेन क्या हो जाती है, कॉयल हो जाती है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स मैंने दिखाए हैं ये सब क्या है, अमीनो एसिड है। ठीक है, ये क्या हो गए हैं, कॉयल हो गए राइट हैंड साइड में। ओके, तो यहाँ पर जो फर्स्ट आपका अमीनो एसिड है, अब 1, 2, 3, 4, 5th, ठीक है, फर्स्ट वाला जब अपने से जस्ट बगल वाले से आप काउंटिंग करोगे 1, 2, 3, 4, 5th, तो फिफ्थ वाले कार्बन के साथ क्या बनाता है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। देन अगर हम देखें तो जैसे ये सेकेंड वाला है तो ये किसके 1, 2, 3, 4, 5th, देन सॉरी जैसे कि आप ये देखो ये वाला है, ये वाला, ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5th, यानी चार को छोड़ने के बाद पांचवे से क्या बनाने लगता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यानी कि बीच में चार आप अमीनो एसिड को स्किप कर दो तो जो पांचवा वाला मिलेगा ये उससे क्या बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। इसको काउंट करना थोड़ा टिपिकल होता है क्योंकि ये थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा कॉइलिंग कंडीशन में होता है। ओके, तो ये अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। देन बीटा प्लीटेड शीट की बात करते हैं। ठीक है, बीटा प्लीटेड शीट में मैंने क्या बताया कि कौन सा बॉन्ड होता है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी पॉलीपेप्टाइड की यहाँ पर दो चेन होंगी। पॉलीपेप्टाइड कितनी चेन्स होंगी, यहाँ पर टू चेन्स होंगी, टू डिफरेंट चेन्स होंगी, और उन दोनों डिफरेंट चेन्स के बीच में हमें हाइड्रोजन बॉन्ड मिलेगा देखने को। लेकिन यहाँ पर जो हमने देखा था अल्फा हेलिक्स के केस में, वो हमारा एक ही जो था वो कॉइल हो गया था, ऐसे कॉइल हो गया था, ये एक ही चेन थी, स्ट्रेट चेन थी अमीनो एसिड की, और यही चेन क्या हो गई थी, कॉइल हो गई थी। लेकिन इसके केस में आप आओगे तो एक शीट के फॉर्म में ये रहेगा। ठीक है, समझ लीजिए अमीनो एसिड है, ठीक है, एक चेन है और एक ये दूसरी अमीनो एसिड की चेन होगी, और दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होगा, कुछ ऐसी कंडीशन बनेगी। तो यहाँ पर क्या है, एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन के बीच में जो हमारा कीटो और अमीनो ग्रुप है उसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, यहाँ पे तो डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन होगी और उनके बीच में हमें हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे आप अपनी बुक में देखिए, बुक में आपका कुछ ऐसा दिखाया गया है कि ये एक चेन है, ये दूसरी चेन है, ये तीसरी चेन है, और देखिए क्रॉस वे में यहाँ पे आपको दिखाया गया हाइड्रोजन बॉन्ड, इस चेन का हाइड्रोजन है, इसका ऑक्सीजन है, फिर इसका हाइड्रोजन है, फिर इसका ऑक्सीजन है, तो डिफरेंट डिफरेंट
न्यूक्लियोटाइड की जो चेन है उनके बीच में हमें क्या दिखाया गया है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसी को हमने क्या बोला था, देखिए इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो बीटा प्लीटेड शीट में अगर हम मैक्सिमम स्ट्रेच कर दें इसी शीट को, तो हमें क्या मिल जाएगी, पॉलीपेप्टाइड की चेन मिल जाएगी। और उसी चेन में अगर दूसरी तीसरी या चौथी चेन है और उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो हमें कैसा स्ट्रक्चर मिलता है, बीटा प्लीटेड शीट मिलती है। ठीक है, और दूसरा ये देखिए हमारा अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर था। अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर में ये कार्बन है और कार्बन एक ही, यही हमारा पूरा प्राइमरी स्ट्रक्चर सीक्वेंस गया था प्रोटीन का कुछ ऐसे। ठीक है, और ये क्या हो गया था, फोल्ड हो गया था। और फोल्ड होने के बाद जब हमारा यहाँ पे कीटो ग्रुप प्रेजेंट है, वो कीटो ग्रुप और एमीन ग्रुप का हाइड्रोजन, इन्होंने क्या बनाया था, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया था। इसलिए हमने इस बॉन्ड को क्या बोला था, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बोला था। ओके, देन हम मूव करते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर की तरफ। चलिए ये क्या है हमारा, नेक्स्ट है टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ओके, तो टर्शियरी स्ट्रक्चर एक्चुअली हमें कैसे मिलता है, क्या होता है, तो ये थ्री डायमेंशनल, ठीक है, थ्री डायमेंशनल शेप होता है। ठीक है, और ये शेप हमें कब मिलता है, प्रोटीन मॉलिक्यूल का 3D शेप है, याद रखिएगा टर्शियरी स्ट्रक्चर क्या है, प्रोटीन मॉलिक्यूल का 3D शेप है। और ये हमें किसके थ्रू मिला है, ट्विस्टिंग, बेंडिंग एंड फोल्डिंग, किसकी, हेलिक्स के थ्रू। ठीक है, ट्विस्ट हुआ है हमारा हेलिक्स, यानी हमारा जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, ट्विस्ट हुआ, बेंड हुआ, फोल्ड हुआ, तो हमें 3D शेप मिल जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, टर्शियरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। और टर्शियरी स्ट्रक्चर में जो हमारा इंटायर मॉलिक्यूल है, पूरे मॉलिक्यूल में आप देखोगे आपको मेनली 4 टाइप्स के बॉन्ड यहाँ पर मिलेंगे। ये जितने भी बॉन्ड हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो पहला बॉन्ड हमें यहाँ पे मिलता है वो होगा हमारा आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड यानी कि आपको ये बॉन्ड कैटायन और एनायन के बीच में मिलेगा, और इसी को आप सॉल्ट ब्रिज के नाम से भी जानते हो। ठीक है, देन जो दूसरा बॉन्ड हमें मिलेगा वो होगा हमारा डाई सल्फाइड बॉन्ड। ठीक है, जिसे आप कोवेलेंट के नेम से भी जानोगे, कभी कोवेलेंट भी लिख जाए तो आप कन्फ्यूज मत होना। देन जो थर्ड है हमारा वो होगा हाइड्रोजन बॉन्ड, ये तो बहुत ही कॉमन है, हाइड्रोजन बॉन्ड। और फोर्थ जो होगा हमारा वो होगा हमारा हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड जिसको आप लंदन डिस्पर्सन फोर्स के नेम से भी जानोगे। ठीक है, लंदन डिस्पर्सन फोर्स। ओके, तो ये है नेम, हम देखते हैं ये कैसे एग्जिस्ट करते हैं। तो सपोज हमारे पास ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन है और एक ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन है। ठीक है, ये हमारा आर टर्मिनल है, आप जानते हो कि यहाँ पे देखिए क्या होता है अमीनो एसिड में, अमीनो एसिड में क्या है हमारा NH2 ग्रुप होगा, देन सी ऊपर हमारी आर होगी जो साइड चेन होगा हमारा, देन हाइड्रोजन एंड COOH। तो आर दिखा दे रही हूँ यहाँ पे, ये टर्मिनल है, देन CHCH3। ठीक है, तो जो फोर्स इस पोर्शन में एग्जिस्ट करेगा वो फोर्स हमारा हाइड्रोफोबिक फोर्स कहलाएगा, हाइड्रोफोबिक फोर्स, क्योंकि आपको पता ही है कि हाइड्रोफोबिक मतलब यहाँ पर एक आपने पढ़ा होगा जब आपने सरफेस केमिस्ट्री पढ़ा था, तो हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक का केस पढ़ा था। ठीक है, तो ये जो पूरा पोर्शन था, जो हाइड्रोकार्बन की चेन होती है, ये आर क्या है, हाइड्रोकार्बन की चेन होगी, तो जहाँ हाइड्रोकार्बन की चेन होती है वो पोर्शन क्या कहलाता था, हाइड्रोफोबिक यानी वाटर हीटिंग पोर्शन कहलाता था। तो यहाँ पर जो ये फोर्स डेवलप होगा वो फोर्स क्या कहलाएगा, हाइड्रोफोबिक फोर्स कहलाएगा। ठीक है, देन एस एस हमें बॉन्ड मिलेगा, इस बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे, डाई सल्फाइड बॉन्ड, डाई सल्फाइड बॉन्ड। ओके, देन सी ओ नेगेटिव, ठीक है, डबल बॉन्ड ओ, देन NH3। अगर ज्यूटेराइन का फॉर्मेशन होगा तो ऐसी सिचुएशन बनेगी, ज्यूटेराइन में आपने देखा था ये हाइड्रोजन कहाँ मूव कर जा रहा था, इस नाइट्रोजन के पास, तो यहाँ पे क्या हो जाता, NH3 पॉजिटिव बन जा रहा था, NH3 पॉजिटिव, और यहाँ से हाइड्रोजन हटके नेगेटिव बन जा रहा था। तो ऐसी अगर कंडीशन बनेगी तो एक अमीनो एसिड का ये पोर्शन और दूसरे अमीनो एसिड का ये पोर्शन, यहाँ पे प्लस माइनस का चार्ज डेवलप होगा और यहाँ पर एक फोर्स डेवलप होगा, यानी बॉन्ड बनेगा, जिसको हम क्या नाम देंगे, आयोनिक बॉन्ड का नाम देंगे, आयोनिक बॉन्ड, इसी को हम सॉल्ट ब्रिज भी बोलते हैं। ठीक है, और बाकी तो आप जान ही गए होंगे कि कार्बोनिल ग्रुप का ऑक्सीजन,
और नाइट्रोजन का हाइड्रोजन मिलकर के कैसा बॉन्ड बनाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। तो ये तीन जो में सॉरी ये चार इंपॉर्टेंट फोर्स हैं जो प्रोटीन के स्ट्रक्चर को हेल्ड करके रखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन भी अराइज होता है कि कौन से चार वो फोर्स हैं जो प्रोटीन स्ट्रक्चर को हेल्ड करके रखते हैं, अनकॉइल नहीं होने देते, ठीक है, या अनफोल्ड नहीं होने देते। तो ये चार होते हैं, हाइड्रोफोबिक होता है, डाइसल्फाइड, आयोनिक और हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ओके, तो यहाँ पर एक चीज़ एक पॉइंट आता है कि टर्शरी जो स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर होता है। और ये सबसे ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर कब होता है, जब आपके पास नॉर्मल कंडीशन पर, यानी नॉर्मल कंडीशन हो, नॉर्मल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड पीएच, ये दोनों अगर नॉर्मल हो तो टर्शरी प्रोटीन हमारा सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी शो करता है। और इसी को हम क्या देते हैं, नेटिव कन्फॉर्मेशन का नाम देते हैं, नेटिव कन्फॉर्मेशन, या फिर हम नेटिव स्टेट भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है, दोनों में से कोई भी बोलें। तो टर्शरी स्ट्रक्चर में हमें नेटिव स्टेट, नेटिव कन्फॉर्मेशन मिलता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये अगर नॉर्मल आपके पास टेम्परेचर है, नॉर्मल पीएच है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी ये स्ट्रक्चर शो करता है। ओके, तो जो यहाँ पर फोल्डिंग मैंने क्या बताया, टर्शरी स्ट्रक्चर कब मिलता है, जब हेलिक्स फोल्ड होते हैं, बेंड होते हैं और ट्विस्ट होते हैं, ठीक है। तो अगर फोल्ड होंगे, बेंड होंगे, ट्विस्ट होंगे, तो यहाँ पर दो हमारे पास शेप हमको देखने को मिलते हैं, जो अभी आपने स्टडी करा था। एक होगा हमारा फाइब्रस स्ट्रक्चर, ठीक है, और दूसरा आपने स्टडी किया था ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर। तो ये दोनों स्ट्रक्चर जो है इसी स्टेट में हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। देन हम आते हैं क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर की तरफ, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर में आप देखोगे काफ़ी ऐसी प्रोटीन्स होती हैं, बहुत सारी प्रोटीन्स ऐसी होती हैं जो टू या फिर मोर देन टू पॉलीपेप्टाइड, लिख दे रही हूँ, पॉलीपेप्टाइड चेन्स के थ्रू बनी होती हैं। इन चेन्स को हम क्या बोलते हैं, सब यूनिट्स बोलते हैं, ठीक है। तो पॉलीपेप्टाइड चेन के थ्रू बनी, जिन्हें हम सब यूनिट्स बोल रहे हैं, और ऐसी कई सारी सब यूनिट्स मिल करके जो स्ट्रक्चर हमें देती हैं वो क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर कहलाता है, ठीक है, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर कहलाता है। तो क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर हमें कैसे मिला है, टू या मोर देन टू पॉलीपेप्टाइड चेन्स क्या कहलाएंगी, सब यूनिट्स कहलाएंगी, और ऐसी कई सारी सब यूनिट जब मिलेंगी तो हमें कैसा स्ट्रक्चर मिलता है, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर मिलता है, ठीक है। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो होगा हमारा डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। तो नेक्स्ट पॉइंट हम स्टडी करने जा रहे हैं, दैट इज डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। ओके, तो सबसे पहली चीज आप जान लीजिए, प्रोटीन्स जो हमारे होते हैं, प्रोटीन्स आर वेरी सेंसिटिव, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, ठीक है, और किसके लिए सेंसिटिव होते हैं, टू द एक्शन ऑफ हीट, ओके, एसिड, पीएच, बेस या एल्कलीज, ओके, या फिर कोई इलेक्ट्रोलाइट आप यहाँ पर लगा दो, ठीक है, इन सारी चीज़ों के लिए क्या जो होते हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। अगर इन्हें टेम्परेचर नॉर्मल चाहिए तो मतलब नॉर्मल ही टेम्परेचर चाहिए, अगर कम या ज़्यादा आप करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, डीनेचर हो जाएंगे, यानी कि ये अपनी जो क्वालिटी है उसे ये क्या कर देंगे, खो देंगे, जो इनके स्ट्रक्चर्स हैं, स्ट्रक्चर्स इसके क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो प्रोटीन्स में अगर कोई फिजिकल चेंज आप करते हैं, कोई भी फिजिकल चेंज, जितने भी मैंने ऊपर लिखे हैं सब क्या है, फिजिकल चेंज, यानी अगर आप इसमें एसिड डाल दो या पीएच आप चेंज कर दो या टेम्परेचर चेंज कर दो या कोई इलेक्ट्रोलाइट आप ऐड कर दो, तो कोई भी फिजिकल चेंज आप करोगे तो इसमें जो प्रेजेंट है हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड आर डिस्टर्ब्ड, जितने भी हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें प्रेजेंट है वो क्या हो जाएंगे, डिस्टर्ब्ड हो जाएंगे। और जब हाइड्रोजन बॉन्ड डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है, ड्यू टू दिस, जिसकी वजह से जो ग्लोब्यूल्स है हमारा, अभी हमने बनाया है ग्लोब्यूल्स, वो क्या हो जाएगा, अनफोल्ड हो जाएगा, है ना, एंड जो हेलिक्स बना हुआ था, क्वाइल होके बना था, गेट अनकॉइल्ड, हेलिक्स हमारे क्या हो जाएंगे, अनकॉइल्स हो जाएंगे। एंड जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रोटीन लूज इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी, ठीक है, इसकी जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है ये क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डीनेचुरेशन,
अगर हमने कुछ भी चेंज किया है प्रोटीन में, फिजिकल चेंज हुआ है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो गया है, डिस्टर्ब हो गया है, जिसकी वजह से जो ग्लोब्यूल्स थे वो अनफोल्ड हो गए हैं और हेलिक्स हमारे क्या हो गए हैं, अनकॉइल हो गए हैं। इन दोनों की वजह से जो प्रोटीन है उसने अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी लूज कर दी है और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डीनेचुरेशन बोलते हैं। ठीक है, और डीनेचुरेशन के केस में एक चीज़ आप याद रखिएगा, जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो चेंज नहीं होता, नॉट चेंज, ठीक है, लेकिन हमारा सेकेंडरी और जो टर्शरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, ये दोनों क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता ही है सेकेंडरी स्ट्रक्चर यानी हेलिक्स आपको कब मिलता है, सेकेंडरी में, और ग्लोब्यूल आपको कब मिलता है, टर्शरी में। और मैंने क्या बताया, ये ग्लोब्यूल अनकॉइल होगा और हेलिक्स ग्लोब्यूल अनफोल्ड होगा और हेलिक्स अनकॉइल होगा, ठीक है। तो यानी कि क्या हो गया, स्ट्रक्चर सेकेंडरी और टर्शरी हमारा क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है कि जब आप एग को बॉयल करते हो, ठीक है, तो हमारा जो सोलिबल ग्लोब्यूलर प्रोटीन है, ठीक है, जो सोलिबल ग्लोब्यूलर प्रोटीन है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, इनसोलिबल फाइब्रस प्रोटीन में, ठीक है। ये चीज आप याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट ये एग्जाम्पल है, सब पूछा जाता है। तो डीनेचुरेशन क्या है, जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है प्रोटीन कि इसको फिजिकल चेंजेस की वजह से जब प्रोटीन लूज कर देता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डीनेचुरेशन बोलते हैं। डीनेचुरेशन में इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद करना है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस नहीं होता, सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर क्या होते हैं, हमारे चेंज हो जाते हैं। ओके, थैंक यू क्लास।